जर्नी बता रहा है 11 घंटे की। इधर से रास्ता बता रहा है गूगल मैप वाला सीधा जयपुर का। हाँ इस ऊपर ठीक है सर जी। और मैं आके घुस गया सीधा और लेफ्ट लेग में लगी है तेज। बाइक को देखते बाइक को कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। लगी भाई बहुत तेज पैर पे। अभी हम तेज नहीं थे, अगर तेज होते तो पता नहीं कहाँ जाके घुस जाते। आराम से देख लो है ना भाई। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है था वो अपना गाड़ी को। नहीं लेकर आया ना तो टोल वाले की 12 बजा दूंगा मैं। चैनल BVR Vlogs आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी बज रहे सुबह के 8:18 और एज ऑलवेज मैं राइडिंग गियर्स में आ चुका हूँ। भाई मैंने अभी यहाँ से ब्यावर का मैप लगाया तो बता रहा है 652 किलोमीटर जर्नी बता रहा है 11 घंटे की। तो अभी यहाँ से ब्यावर ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। भाई अभी तक की जो राइड थी वो बहुत सफल रही, बहुत अच्छे से निकली। बट आज का सीन थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आज बहुत लंबी राइड है, जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा। और अगर आज मैं ब्यावर नहीं पहुंचता हूं तो आज मैं शायद तक हो सकता है कहीं थोड़ा पहले ही रुक जाऊं। भाई अब घर की याद आ रही है। मुझे नहीं पता भाई आज की राइड कैसे होगी क्योंकि अभी 8:30 और बाहर का देखो हालत ये, हर जगह फॉगी रोड पे, तो पता नहीं क्या ही होगा भाई, आई डोंट नो। तो अभी काम करते हैं फटाफट, आपको सीधा बाइक पे मिलते हैं। हे भगवान आपका आशीर्वाद रहे। भाई अब मैं निकल रहा हूँ। आज है ना हमारी बात कम और आपकी बात ज्यादा करेंगे। तो मैं कह रहा था कि भाई आज है ना हम आपकी इच्छा की बात करेंगे, हमारी इच्छा की नहीं। और देखो मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है, मुझे कैमरे से बात करना अच्छा लगता है, आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। बट आपको इस व्लॉग चैनल में क्या चाहिए वो मुझे यार बताओ, है ना। आपको क्या चीज़ें चाहिए कि मैं क्या करूँ जो मैं कर सकूँ भाई। और मुझे एक डर है भाई निकलने से पहले कि मैं जिस दिन आया था ना चंडीगढ़ में तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऑनलाइन चालान्स कटते हैं ना, कि कैमरे लगे हुए हर जगह और चालान काट देते। भाई मैं भगा रहा हूँ तेज 70-80 भाई। अच्छी रोड थी चंडीगढ़ में, देखते भगाने का मन हो जाता है, साफ़ सुथरा रोड है और एकदम खाली रोड थी। सुबह सुबह मैं भगा रहा हूँ बाद में मुझे पता पड़ा कि भाई यहाँ पे ऑनलाइन चालान कट जाता है, घर आता है सीधा चालान। बट आई थिंक सो मेरी नंबर प्लेट थोड़ी इल्लीगल है अभी, तो शायद तक से मेरा चालान कटा नहीं होगा इस। और सच्ची में बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है। कल रात को भी हम बाहर घूम रहे थे तो भाई साहब जो ठंड पड़ रही थी ना, इतनी ठंड हिमाचल में नहीं लग रही उतनी यहाँ लग रही है भाई। अभी जल्दी जल्दी सिटी से निकालेंगे क्योंकि आगे की लंबी जर्नी है बहुत ज़्यादा और हम हैं आधा सरोवर पास में हैं हम अभी सरोवर पास। यार सॉरी यार भगाना नहीं है सिटी के अंदर, भूल जाता हूँ मैं वापस। 50 की लिमिट बता रहा है गूगल पे तो भाई, और मैं 60 पे चल रहा हूँ 45। तो कुछ भी देखने को मिल जाता है यार। ये देखो क्या बढ़िया चीज दिख रही है, आगे फोर्ड एंडोवर चल रही है वो भी मॉडिफाइड, और उसके पीछे लगी है BMW। ओह मैन अमेजिंग। और मैं अभी राइनॉक्स की अपनी रेल लाइनर पहन चुका हूँ जो कि भाई थोड़ा बहुत ठंड से बचाएगी मुझे। और अभी फॉग इतनी ज्यादा पड़ रही है क्या बताऊँ आपको, हर जगह पूरे माड़े हाल हो रखे और भाई वो पीछे से जो फोर्ड आ रही है ना भाई एंडोवर आ रही है वो जो भाई ऐसा लग रही है, और उसके पीछे और एक सख्त चीज़ खड़ी है भाई, बहुत इतनी प्यारी चीज़ खड़ी है ना उसके पीछे, तो करके उस बाइक को लिया जा रहा है। अमेजिंग दिख रही है यार अमेजिंग। ये देखो राजस्थान जाना है सर, नहीं जयपुर होके। इधर से रास्ता बता रहा है गूगल मैप वाला सीधा जयपुर का। हाँ इस ऊपर ठीक है सर जी, ठीक है। ये वो वाला हाईवे है ना वो, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई ये क्या सीन है, रास्ता बंद दिखा रहे। अब यहाँ से ऊपर चढ़ने का है। Turn right onto Banner Road, Banner, Shambu Road.
ओके भैया जी, हमारी गूगल माता देवी हमसे बात करती रहती ना तो अच्छा लगता है। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भैया आपको क्या अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे दिमाग में एक खेल चल रहा है लाइक पॉडकास्ट का भाई, कि हम राइडर्स लोगों का पॉडकास्ट कभी नहीं होता है ना। मैंने कई लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं बट हम राइडर्स लोगों का पॉडकास्ट मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे ब्लॉग चैनल में वो थोड़ा सा पॉडकास्ट वाला भी सीन लाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अगर राइडर किसी राइडर का पॉडकास्ट सुनना है क्या, मैं ये कुछ नया करना चाहता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। और पॉडकास्ट भी भाई मेरी प्लानिंग पॉडकास्ट की वैसी नहीं कि कहीं बैठा के आराम से कुछ बात करें, कुछ अच्छा कुछ करने का प्लान है। तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताना भैया जी कि क्या सीन है। तो मैं अभी चढ़ चुका हूँ NH 152D पे, जो कि है कंप्लीट एक्सप्रेस पे। ऐसा इस पर वैसे बाइक अलाउड नहीं है बट लेकर आ जाते हैं भाई, है ना, और मज़ा आता है इस हाईवे पर बाइक चलाने का। अभी शायद तक मेरा अटायर आप देख नहीं पा रहे होंगे बट हाँ, ब्लू बाइक पे ये जो नियॉन ग्रीन है बहुत सेक्सी लग रहा है। कपड़ा वपड़ा तो बांधा करो यार उस पर, हम तो आराम ही थे। देखो गाड़ी यहीं पे रुक गई है, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। इतना पतला ये कोई दिखता है क्या? हमें लगा कि ये बाइक के लिए बना रखा है। भाई अभी ये सीधा आके लगी यार, गाड़ी बहुत स्लो थी बट ये दिखा नहीं, इतना पतला था फॉग के चक्कर में दिखा नहीं भाई। पैरों पे ऐसा लगी ना दर्द हो रहा है तगड़ा वाला भाई। ओ मैन, वो जो पाइप था वो इन दोनों ट्रक की, ये जो दोनों डंपर्स हैं इन दोनों के बीच में रखा हुआ था और मैं आके घुस गया सीधा। और लेफ्ट लेग में लगी है तेज, बाइक को देख के बाइक को कुछ डैमेज तो नहीं हुआ? नहीं, हाँ भैया जी, पर वो उसको ऐसे मत रखिया कि यार किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है भाई। वो इतनी पतली सी पाइप है यार, वो तो अच्छा हुआ मैं इस ओवर स्पीड में नहीं था कि आते घुस गया, क्योंकि खाली रोड है यार यहाँ पे। तो मैन लगी भाई बहुत तेज पैर पे, तो भाई कैमरा भी ऑफ था मेरा भाई। वो जो ड्रम रखे हुए ना उन दोनों के बीच में, इतनी पतली पाइप सोचो अब किसको दिखेगी यार, और वो भी वाइजर बंद था मेरा। पता नहीं कोई डैमेज वैमेज तो नहीं हुआ, मुझे बस ये टेंशन है कोई डैमेज। भैया जी उस पे है ना कोई लाल कपड़ा है क्या? लाल कपड़ा हो तो उस डंडे पे बांध दो ताकि दिख जाए। हाँ अभी तो चलो हम तेज नहीं थे, हम तो तेज रहते हाँ, अभी हम तेज नहीं थे, अगर तेज होते तो पता नहीं कहाँ जाके घुस जाते। आराम से देख लेना। गिराइएगा मत, भाई पता नहीं कहाँ ले जा रहा है था वो अपना गाड़ी को। नहीं लेकर आया ना तो टोल वाले की 12 बजा दूंगा मैं, चला नहीं ले जा रहा होगा बट। ओ मैन भाई दर्द हो रहा है यार लेफ्ट लेग में। ओ शिट,
भाई अब ये लगा दिया है, कम से कम दिखेगा तो सही। अब सोचो ये ऐसे ड्रम लगा रखे तो ऐसा लग रहा है कि बीच में जाने के लिए रास्ता बना रखा है, और ये इतना पतला सा रॉड लगा रखा है। अभी भी पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, सीरियसली दौड़ने बस यार भाई स्वेलिंग वॉलिंग ना आए, गाड़ी अच्छे से चला के चले जाओ, क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी है भाई, अभी भी 400 किलोमीटर बाकी है लगभग। आखिरी दिन में ही है ना जो चीज़ें होती हैं, वो सारी आखिरी दिन में ही होती है मेरे साथ। जब मैं लास्ट ईयर ऑली राइड पे था भाई, तब भी लास्ट सेकंड दिन मेरे लगी थी ऋषिकेश पे, और वो भी किसी की हेल्प करते हुए भाई, और आज लगी है थोड़ा चला के देख लेता हूँ जरी, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आई। अच्छा हुआ बाइक को डैमेज नहीं हुआ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। मेरी गाड़ी इससे भी धीरे थी, इसलिए कुछ हुआ नहीं, लगी नहीं किसी को, नहीं तो आज जाता भाई। अगर वो हो जाता ना भाई, अगर आज एक्सीडेंट हो जाता तो लग जाती मेरी, मतलब आज मैं मरते मरते बचाऊँ एक बार, मरते मरते सीरियसली। 12:30 हो रहे हैं, सैंडविच और कॉफ़ी ऑर्डर करिए, और ही हमारी बाइक बाहर खड़ी है भाई, भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एंड आज और एक चीज़ है कि भाई महेश का बर्थडे है, महेश का बर्थडे भाई, तो जयपुर उससे ज़रूर से मिलने जाएंगे, बट देखते क्या होता है आगे। बट भाई पहले सैंडविच ख़त्म करते हैं और कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। मैं जयपुर पहुंच गया, एंड भाई आपको बताया था कि आज महेश का बर्थडे, तो भाई सबसे पहले महेश के फ्लैट पे आए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ब्रो। देखो आपने ऐसे ही छोड़ा मुझे बर्थडे के, मैंने कहा यार आप बरस करो। और भाई हां भाई क्या हो रहा है, तेरी आंखें इतनी हैं या बहुत दुलवाया मैंने डाले थे, कोई नहीं दुलवा, थोड़ी कम भूख नहीं लगी। तो यार फाइनली केक कटिंग हो गया है, एंड भाई साहब अब मैं मेरी भी रेस्ट करने की बारी है, क्योंकि आज भी दिन भर राइड करी, आज ऑलमोस्ट 500 से 600 किलोमीटर की राइड थी भाई, कल भी राइड करनी है 200 किलोमीटर की, क्योंकि घर जाना है भाई।